और इसी तरह बारी बारी अपने नंबर का इंतजार करते हुए सभी लोग क्रम से जो है सिरगिथा मार्केट को पार करती हैं। और उधर से भी गाड़ियां लगता है लोगों को जाने के लिए। और ये एक ही जगह पानी नहीं है, यह समझिए कि कुकुड़ा मोड़ से लेकर और कुसमी मोड़ तक कई लोगों की बहुत दूर तक पहुंच होती है। अगर उनसे बात करेंगे ना तो कहेंगे कि भैया हमारी बहुत दूर तक पहुंच है, हम बहुत कुछ करवा देंगे, बहुत त्रस्त रहते हैं। और आने जाने वालों की दुर्दशा तो ये है कि पूछिए मत, कभी कभी लोग इसमें तो इतने बुरी तरह से गिर जाते हैं कि एकदम रन जाते हैं। अभी जो खड़े हैं हमारे यहाँ तक पानी है, यह पानी घुटनों के बराबर हो जाएगा। तो चलने वालों के लिए डुबकी लोग लगा लेते हैं, उनका सारा धाम पूरा जाता है, तीर्थ पूरा जाता है। देखिए देखिए जूता पहने, थोड़ा सा साइड होइए, देखिए ये जूता पहन, ये ईंट है ये डाल दिया गया जिससे ये जो सिरगिथा मार्केट में एक गड्ढा था, जो नदी थी वो सही तो हो गया, लेकिन इतना सही हो गया कि इसमें से जो से सड़क इतनी खराब हो गई है, इतनी बुरी इसकी स्थिति है कि इस रास्ते से जो कोई एक बार आएगा दोबारा इस रास्ते से आने की सोचेगा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल, अभी मैं सिरगिथा मार्केट में हूँ। ये हमारे पीछे देख रहे हैं सिरगिथा मार्केट है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में सिरगिथा मार्केट है। और इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं वो जगह देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ इसी सिरगिथा मार्केट में आ गई हैं। शायद इसीलिए यहाँ से कांवरियों की संख्या कम दिख रही है जो बाबा धाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो सभी धामों का दर्शन सिरगिथा मार्केट में ही मिल जा रहा है, इसीलिए ये लोग शायद इस बार जाए गए नहीं है बाबा धाम के लिए। नहीं तो हर साल सिरगिथा मार्केट में मैं देखता था कि डीजे बजता था और यहाँ पे लगभग 100-200 कांवरिया बाबा धाम के लिए रवाना होते थे। कारण है ये 2 साल से सड़क इतनी खराब हो गई है, इतनी बुरी इसकी स्थिति है कि इस रास्ते से जो कोई एक बार आएगा दोबारा इस रास्ते से आने की सोचेगा भी नहीं। और जो एक बार आ गया होगा वो इस सड़क से इतना उब चुका होगा, इतना गिर गया होगा, इतना चोटिल हो गया होगा, इतना वो धक्का खा गया होगा कि दोबारा नाम ही नहीं लेगा इस रास्ते से आने के लिए। यहाँ से सड़क की आप स्थिति पहले देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश 2 दिन पहले होने के बाद इसमें लगभग 1 दिन में लाखों गाड़ियां, लाखों लोग आते जाते हैं, तो जो भी पानी यहां का होता है वो पानी टायरों के माध्यम से सूख जाता है। लेकिन अभी अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो यह तालाब जो हम अभी जो खड़े हैं हमारे यहाँ तक पानी है, यह पानी घुटनों के बराबर हो जाएगा, तो चलने वालों के लिए और काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 साल से यह सड़क खराब है। मैं बताना चाहूँगा कि इसे कुछ दिन पहले यानी 1 साल पहले यही स्थिति थी, तो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य टिंकू यादव, उन्होंने डीएम साहब की बैठक में उन्होंने वीडियो एक वायरल किया था, वो जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं उनसे कहा था कि सिरगिथा की हालत बहुत ख़राब है, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट डे हम बहुत जल्द आपका सिरगिथा मार्केट में मिट्टी डलवा के, ईंट पत्थर डलवा के बराबर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखने की भी कोशिश किया कि कब डलवाया जा रहा है पत्थर ईंटा, और समय बीत गया लेकिन उसके बाद एक टाली यहाँ पर क्या एक ईंट तक नहीं डाला गया। लेकिन उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस साल जो है बारिश होने के बाद जब पानी भर गया तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो वो क्या किए कि ईंट ला के गड्ढे को डाल दिए, भर दिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये जो नदी के जैसा रूप है वो सही हो जाएगा। लेकिन हम ये भी दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिए इधर आके हम दिखाते हैं आप लोगों को कि जो ईंट डाला गया है उसकी क्या स्थिति है। आने जाने वालों से हम पूछेंगे, वो भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। ये देखिए ईंट दे, ये देखिए ईंट डाला गया है, ये ईंट है, ये ईंट है, ये ईंट है, ये डाल दिया गया जिससे ये जो सिरगिथा मार्केट में गड्ढा था, जो नदी थी वो सही तो हो गया, लेकिन इतना सही हो गया कि इसमें से जो भी गुजरता है वो गिर के अपना हाथ पैर गोड़ तोड़ लेता है, चोटिल हो जाता है। और इसके बाद ये भी कोई घबराने की बात नहीं, ये भी सबसे अच्छी बात है कि यहीं से बगल में 100 मीटर की दूरी पर सरकारी अस्पताल है, जहाँ पे जाएंगे तो एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और यहाँ से जब चोटिल होते हैं तो वहाँ जाके उनका इलाज हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितना विकास है सिरगिथा मार्केट में। और चुनाव जब आता है तो लोग आते हैं इसी मार्केट में, प्रोग्राम कराते हैं, फंक्शन कराते हैं और भाषण देते हैं कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अरे क्या विकास करेंगे, अगर आप विकास करेंगे तो ये देख लीजिए सिरगिथा मार्केट का, किसी से भी आप पूछेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि हाँ सिरगिथा मार्केट का बड़े अच्छे तरीके से विकास हुआ है। आइए हम जानते हैं यहाँ के बगल के दुकानदार हैं, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम पिंटू कुशवाहा है जी, और
सर आप एक बात बहुत अच्छी बोले कि लोगों को कांवड़िया जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का सारा धाम यहीं पे है जी। अगर इच्छा होती है मनोरंजन के लिए तो हम लोग अपना खुद लोग गिर जाते हैं, गिर करके जब देखते तो मनोरंजन आ जाते हैं, कहाँ भैया गिर गया। अगर इच्छा होती है तो फिर इसी में डुबकी लोग लगा लेते हैं, उनका सारा धाम पूरा हो जाता है, तीर्थ पूरा हो जाता है। देखिए देखिए जूता पहने, थोड़ा सा साइड होइए, देखिए ये जूता पहन के जा रहे हैं और गिर जाएंगे वो। अब इसके बाद बाजार की हालत इतनी अच्छी 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 है, क्या बताया जाए कि देख रहे हैं घुटना भर पानी लगा हुआ है। इसके बाद इस मार्केट में 100 मीटर दूरी पे भैया जी बता रहे थे कि अस्पताल है, ये हकीकत है कि अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर लोग बहुत कम लोग आते हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों का ये हाल है। साइड ओके, इधर से लीजिए दूरी तक, थोड़ा सा थोड़ा सा आप उधर लोग, थोड़ा सा आप लोग दब जाइए एक तरफ, जाने वाले उनको लोग जाने दीजिए, थोड़ा सा दब जाइए। हाँ इधर आइए सर जी। हम व्यापारी लोगों का ये हाल है कि हम लोगों का बोनी बट्टा होना भी मुश्किल हो गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे मतलब ये 2-3 दिन की बारिश का ये हाल है कि इस समय हम लोग के घुटने भर पानी आ गया है। इसके बाद जितने भी अगल बगल के दुकानदार हैं सभी लोग एकदम बहुत ही त्रस्त रहते हैं, और आने जाने वालों की दुर्दशा तो ये है कि पूछिए मत, कभी कभी लोग इसमें तो इतने बुरी तरह से गिर जाते हैं कि एकदम रंग जाते हैं इसी में पानी में। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं, देखिए अभी स्कूल का छुट्टी हो गया, इधर बगल में विद्यालय है, बहुत बड़ा विद्यालय है, लगभग वहाँ पे 5000 से अधिक ही लोग पढ़ते हैं लड़के, और देखिए सुबह जाते हैं विद्यालय में तो इसी गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन करके और इसका ये जल लेकर अपने माथे से लगा के विद्यालय में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिस शिक्षा को ग्रहण करके इस देश का विकास करेंगे। अब बताइए कि जो पहले के नेता है, जो पहले के अधिकारी हैं, जो विकास किए हैं, अगर वही चीज़ ये लोग देखे रहेंगे तो वही चीज़ सीखेंगे, अब कितना विकास होगा आप लोग समझ सकते हैं। अब बताइए जिसके पास साइकिल है वो तो चले जा रहे हैं इसमें से आसानी से थोड़ा बहुत बच के, लेकिन जो पैदल है वो कैसे जाएगा। अब इधर दिखाइए पैदल जाने वालों की, ये देखिए यहाँ पानी लगा हुआ है यहाँ तक, अभी बारिश हो जाएगा तो ये पानी चला जाएगा यहाँ तक, यानी कि पैदल जाने वाले भी इधर से जा नहीं पाएंगे। अब ये बच्ची देखिए कैसे जा रही है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है, 2 दिन का बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा सा आने जाने लायक जगह है। और यहाँ भी हम दिखाएंगे आप लोगों को, ये दुकान है और इस दुकान के बाद इनका यहाँ तक बनाया है कि हमको कोई दिक्कत ना हो, ये शायद इस पोखरे के वजह से, इस नदी के वजह से जो है इन्होंने बराबर बना दिया है अपने द्वार पे, लेकिन अब पानी जब भरता होगा तो ये इसके ऊपर भी पानी चला जाता होगा जो जाने में काफ़ी दिक्कत होता है, और बाकी कई लोग इसी जगह गिर जाते हैं। एक और अजूबा हम दिखा दे रहे हैं आपको सिरगिथा मार्केट में, जो खम्मा है ये बिजली का पोल है, और इससे पानी से बचने के लिए, गिरने से बचने के लिए अगर किनारे से होके जाते हैं तो यहाँ से वो भी बच नहीं पाएंगे। ये जो पोल है इसके बगल में अर्थीन है, ये जमीन से अर्थ दिया गया ऊपर तक, तो जो बच के इधर से अगर जाएगा तो इसमें अगर टच होगा तो उसका भी जो है जान जाने का खतरा है। ये भी देख रहे हैं पूरा बिजली का पोल है, तो कितना विकास सिरगिथा में हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। और इसी सिरगिथा मार्केट में देखेंगे तो बहुत से लोग नेता हैं, कई पार्टियों में हैं, कई लोगों की बहुत दूर तक पहुंच होती है, अगर उनसे बात करेंगे ना तो कहेंगे कि भैया हमारी बहुत दूर तक पहुंच है, हम बहुत कुछ करवा देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन कितना पहुंच है वो देख सकते हैं। ये देखिए अब कैसे जाएंगे लोग, अगर 10 मिनट यहाँ पर रहेंगे देखिए पूरा जाम लग जाएगा, और ये की जगह नहीं है, कई जगह है। क्या कह रहे हैं जी, बोलिए क्या करें। यहाँ से बहुत सभी लोग गुजरने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है, ऐसा है कि जय किशन साहू विधायक निधि से हमारे दोस्त हैं छोटू यादव, हमारे बड़े भाई हैं पिंटू मौर्या, पत्रकार हैं अगरलाल जी, हमारे भाई हैं अनिल नेपाल के भाई, हमारे ये देखिए जो समस्या है वो बताइए, समस्या क्या है। समस्या क्या है कि सब लोग ऐसा रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। आपको क्या दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। अब देखिए ये लोग रुक गए, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हम जाएंगे, थोड़ा सा इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। देखिए अब किस तरह से बच बचा के जा रहे हैं। क्या नाम है बाबू?
योगेश यादव। अच्छा, ये आप कैसे जाएंगे, डर नहीं लग रहा है इसमें? क्यों नहीं लग रहा है, किनारे से बच बचा के जाते हैं, लेकिन अब देखिए सभी लोग खड़े हैं और इसी में से पार होंगे। अब कैसे पार होंगे, सब भगवान के ऊपर है। बारी बारी से इंतजार करते हैं लोग जाने के लिए, जितने अभी यहीं पे डराते हैं, डेली देखते होंगे कैसे उसे जाते हैं। हम देखते हैं जितने भी बच्चों की जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। देखिए जिसे जाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए वीडियो में, अपनी अपनी बारी का इंतजार करके बगल से निकलते हैं लोग, लेकिन किसी की ये अथवा हिम्मत नहीं होती कि बीच रास्ते से जाएंगे। बीच रास्ते पे जाने पे कब ये लोग बच्चे गिर जाएंगे पानी में, कोई भरोसा नहीं रहता है। देख लीजिए एक बार जैसे पीछे लोग बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे डर लगता है लोगों को जाने के लिए, और ये एक ही जगह पानी नहीं है, यह समझिए कि कुकुड़ा मोड़ से लेकर और कुसमी मोड़ तक पूरा पानी था। मार्केट में कितना जबरदस्त विकास है, यहाँ बहुत से लोग जनप्रतिनिधि बहुत अधिकारी आते हैं, इसी रास्ते से जाते आते हैं, लेकिन उनका एक बार भी सिरगिथा मार्केट में नज़र नहीं पड़ता है। बहुत से लोग हैं मार्केट आने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग मार्केट आने की सोचते हैं, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है उसे देखने के बाद उनका मार्केट आने का मन ही नहीं करता होगा। आज बताया हूँ पहले कि अगर एक बार जो इस रास्ते से चला जाएगा दोबारा आने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये विद्यालय जाना इन लोग की मजबूरी है, शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो विकास, देश का विकास कैसे होगा? जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा लेने के लिए भी गंगा जमुना सरस्वती पार करके ही जाना है, इसलिए इनकी भी मजबूरी है। और इसी तरह बारी बारी अपने नंबर का इंतजार करते हुए सभी लोग क्रम से जो है सिरगिथा मार्केट को पार करती हैं, और उधर से भी गाड़ी आती है, बहुत से लोग इसी में गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और कितने लोगों को हम कितना बताएं यहाँ पे। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि जो भी इससे संबंधित अधिकारी है कृपया इसे संज्ञान में लेकर इसको जल्द से जल्द मरम्मत कराएं, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि जो ये ईंट डाला जा रहा है गाड़ी से, ईंट तो अच्छे तरीके से डाल दिया जा रहा है लेकिन ईंट को दबाया नहीं जा रहा है, उस पर भासी नहीं डाली जा रही है, तो और वो जर्जर हो जा रहा है और ज़बरदस्त खतरनाक हो जा रहा है। देखिए जितनी भी ईंट डाली गई है सब इसी तरह खड़ा है, और जो भी अनजान लोग हैं वो जाते हैं तो इसमें पक्का वो गिर जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।